उठो कि मेरी बुलंदी का एहतराम करो, सदाए वक्त हूं झुककर मुझे सलाम करो। ये दुनिया है, कुदरत की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया को उसके बंदों ने अपनी अपनी हवस के लिए कई छोटे बड़े टुकड़ों में बांट दिया और हर टुकड़े का अलग अलग नाम रख दिया। कोई अमेरिका, कोई अफ्रीका, कोई रूस, कोई जापान। इसी तरह दुनिया के एक टुकड़े का नाम भारत है। भारत भी भाषाओं और बोलियों की हवस का शिकार है। भाषाओं और बोलियों की बुनियाद पर अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ है। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी मशीनें, ऊंची ऊंची इमारतें, लंबी चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े दरियाओं पर बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े पुल। इन सब के होते हुए भी भारत आज समस्याओं की जंजीर में जकड़ा हुआ है। इन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है बेकारी, बेरोजगारी, भूख। इन भूख और प्यास के थपेड़ों को सहते हुए भी हर मां हर बाप अपनी औलाद के सुखी जीवन का सपना देखता है और फिर अपने सपनों को सच्चाई के रूप में देखने के लिए ये बंबई है, भारत के चंद बड़े बड़े शहरों में से एक। यहां भारत के हर प्रांत से रोजाना हवाई जहाजों पर, रेलगाड़ियों से, बसों के जरिए लाखों आदमी उतरता है, कुछ सैर सपाटे के लिए, कुछ कारोबार के लिए और कुछ कारोबार की तलाश में, रोजगार की तलाश में, अपने मां बाप के सपनों में सच्चाई का रंग भरने के लिए, ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचकर अपने देश और अपनी कौम की सेवा करने के लिए। लेकिन I'm not sure.
Telephone, please. Thank you.
गए ना? हाँ, 1, 2, 3, 4, 5 अरे मिस्सी, लो आ गया। अब ग्लासर, क्यों तुमने क्या तीर मारा? क्या मतलब? मतलब क्या, ग्लासर टाइप आदमी ठहरा। अरे जब तक चाकू खोलने के बारे में सोचा होगा ना। रोशनी आ गई होगी यार। रोशनी आ गई। ओमी ओमी, तेरे पास माचिस है ना? हाँ दादा। बेटा काम कर बेटा, इसमें आग लगा दे, लगा दे आग इसमें, और इस आग में अपनी पिछली जिंदगी को भी जला दो, और इसकी गर्म रोशनी के सामने तुम सब सुगंध खाओ। आज नए साल से एक नई जिंदगी शुरू करोगे, ऐसी जिंदगी जो भीख में नहीं मिलती। ताज़ा समाचार कमाल है, आप ही ने गिरफ्तार करा और आप ही ने छुड़ाना चाहती हैं। एक सीआईडी इंस्पेक्टर होने के नाते उन्हें गिरफ्तार करना मेरा फर्ज था, लेकिन अब इंसानियत के नाते बचाना चाहती हूँ। आप भी एक अजीब लड़की हैं, जैसे एक तस्वीर के दो रुख। हेलो, अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। कामिनी जी, आप इन्हें जानते हैं? वकील सरकार को भला कौन नहीं जानता। अरे वकील होंगी सरकार की, मेरे लिए तो सिर्फ सरकार। मेरी सरकार हो चुकी है या होने वाली है? आज नहीं तो कल हो जाएंगी। फिर भी अपनी सरकार के खिलाफ ही केसेस लड़ते रहते हैं। प्यार के बंधन को मजबूत बनाने के लिए किसी न किसी बहाने आपस में तूतू मैमा करना बहुत जरूरी है, चाहे वो घर में हो या कोर्ट रूम में हो। ये केस भी कुछ ऐसे आम फंसा है आपके पास? कौन सा केस? यही 12 लड़कों वाला। अच्छा, तो इस केस की पैरवी आप कर रहे हैं? जी हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। बेहतर है आप इस केस में हाथ मत डालिए, वरना हार जाएंगे। जी, इतना कॉन्फिडेंस है? आप ही ने तो दिलाया है। मैम साहब, भले आपकी अदालत में हार जाऊं, लेकिन कानून की अदालत में नहीं। चैलेंज? योर ऑनर, अदालत की खामोशी इस बात का सबूत दे रही है कि शायद कानून इन मुजरिमों के साथ रहम का बर्ताव करने पर गौर कर रहा है। अगर ऐसा हुआ योर ऑनर, तो मुजरिमों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे, इन्हें और भी खुलकर खेलने का मौका मिलेगा। हर नौजवान पढ़ लिखकर सोसाइटी के सीने पर एक बोझ बन जाएगा। दैट इज वाई योर ऑनर, मैं अदालत से एक बार फिर दरखास्त करूंगी कि वो देश के सुधार के लिए इन निकम्मे और आवारा नौजवान को सख्त से सख्त सजा दे, ताकि आने वाली नस्ल, आने वाली जेनरेशन इबरत हासिल कर सके। दैट इज ऑल योर ऑनर। हालांकि मुजरिमों ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है, फिर भी अदालत उन्हें याद देती है कि अपने बचाव के लिए कोई वकील मुकर्रर करना चाहें तो कर सकते हैं। मुजरिमों की खामोशी से ऐसा लगता है योर ऑनर, ये होनहार नौजवान जो आज मुजरिमों के रूप में अदालत के कटहरे में खड़े हैं, मैं इनकी पैरवी की इजाजत चाहता हूं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिस्टर प्रकाश को एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते उनके फर्ज का एहसास दिलाया जाए। ये मुजरिम मिस्टर प्रकाश जिनकी पैरवी करना चाहते हैं, वो मुजरिम है जिन्हें अगर सजा न दी गई तो कल वो समाज के सीने का नासूर बन सकते हैं। योर ऑनर, मैं वकील सरकार का दिली तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे फर्ज का एहसास दिलाया, लेकिन इन्हें मालूम होना चाहिए कि जिस समाज की ये दुहाई दे रही हैं, वो समाज इंसानों से बना है, और मैं इंसानियत के नाते इनकी पैरवी करना चाहता हूं। योर ऑनर, इंसानियत जिसने हमको, आपको, इस समाज को और इस कानून को जन्म दिया है। इजाजत है। थैंक यू ऑनर। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, मैं अदालत से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। इजाजत है। क्या जुर्म भी इंसान के साथ साथ उसकी मां के पेट से जन्म लेता है? नहीं, अदालत के पास इसका कोई जवाब नहीं, ना ही वकील सरकार की उस समाज के पास इसका जवाब है जिसकी ये दुहाई दे रही। योर ऑनर, किसी भी इंसान को जुर्म करने के लिए मजबूर करने की जिम्मेदारी हम पर है,
किसी भी इंसान को मुजरिम बनाने के जिम्मेदार हम हैं। हम जिसे लिटरेचर में, साहित्य में सोसाइटी कहते हैं, समाज कहते हैं। वकील सफाई के इस लेक्चर पर योर ऑनर अदालत अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रही है। इन्हें मालूम होना चाहिए कि ये एक वकील है, किसी कॉलेज के प्रोफेसर या पब्लिक क्राउन के लीडर नहीं। योर ऑनर, रवि जिसका नाम इन मुजरिमों की लिस्ट में सबसे पहले है, मैं उससे कुछ सवाल करने की इजाजत चाहता हूँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील सफाई इंसानियत का ढंढोरा पीट पीट कर अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ अदालत के चंद घंटे बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन आपके नजरिए से 12 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। आपको मालूम होना चाहिए वकील सरकार कि लफ्ज कानून इंसान की इबादत के लिए बना है, इंसान को सूली पर चढ़ाने के लिए नहीं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू। तुम्हारा नाम? रविशंकर। तुमने होटल लूटा है? जी नहीं। फिर तुम इन लोगों के साथ क्यों? जी फिर तुम इन लोगों के साथ क्यों? अगर हिंदुस्तान के नक्शे से मध्य प्रदेश निकाल दिया जाए वकील साहब, तो वह नक्शा अधूरा कहलाएगा, और हिंदुस्तान का कोई इंसान यह नहीं चाहेगा कि इसका कोई हिस्सा उससे अलग किया जाए। यह जुमला नोट किया जाए ऑनर। लो विटनेस प्लीज। उपदेश तो बहुत अच्छे दे लेते हैं, लेकिन इसी तरह का कोई उपदेश अपने जुर्म करने से पहले अपने साथियों को क्यों नहीं दिया? पेट को रोटी की जरूरत होती है वकील साहब, उपदेश की नहीं। रोटी तो आपको मध्य प्रदेश के उस गांव में भी मिल सकती थी जहां आपका जन्म हुआ। मिल सकती थी लेकिन नहीं मिली। वकील साहब, मेरा बाप एक किसान था, उसके पास एक छोटा सा खेत था। उस खेत के बलबूते पर पलने वाले हम तीन प्राणी थे, मेरा बूढ़ा बाप, मेरी जवान बहन और मैं। मेरे बाप ने भी मुझे हर बाप की तरह अपना कुव्वत बाजू समझा, और मेरी तालीम के लिए मेरे बाप ने मेरी बहन के लिए जो जहेज जमा किया था वो भी मारवाड़ी की हक गिरवी रख दिया, सिर्फ इस खाद के सहारे कि शादी की तारीख तक मैं उससे चौक ना कमा सकूंगा। और मेरे बाप ने लड़के वालों के कदमों पर अपनी पगड़ी रख दी, लेकिन उसकी पगड़ी टूटे ठीकरे की तरह उछाल दी गई, बारात वापस हो गई, और मेरी बहन ने अपने आप को चढ़ा दिया। थैंक यू योर ऑनर। ये तो सिर्फ एक की दास्तान है, इससे मिलती जुलती 11 और कहानियां योर ऑनर। फरीद, इसके बाप के सीने में भी इसी तरह के जज्बात मौजे मार रहे थे। वो इसे इंजीनियर बनाना चाहता था क्योंकि खुद वो एक मिल मजदूर था। मैनेजर साहब, एक बार, सिर्फ एक बार मेरी मदद कर दीजिए, वरना मेरे बेटे की साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, उसका पूरा साल खराब हो जाएगा। कंपनी ने कोई तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है, समझे? तुम जितना काम करते हो उसकी तुम्हें पगार मिलती है। मैंने साहब, आप भी तो किसी बेटे के बाप होंगे। आप शट अप। अरे रामू, तेरी लॉटरी लग गई क्या? ये अपने उंगली कट गई थी ना चाचा, उसका इंश्योरेंस। अगर मैं इस महीने फीस ना दे सका तो मैं इम्तिहान में ना बैठ सकूंगा, मेरे पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब नहीं, मैं तेरी मेहनत बर्बाद नहीं। योर ऑनर, वो बाप जिसने अपने बेटे की तालीम के लिए, वो बाप जिसने अपने बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए अपने जिस्म को जिस्म नहीं माना, अपनी रूह को रूह नहीं माना, वो बाप एरिया रगड़ रगड़ कर मर गया योर ऑनर। लेकिन उसका बेटा, जिसे वो एक होनार इंजीनियर बनाना चाहता था, उसके जिस्म के सूखे हुए कलपुर्जों में आंसुओं का तेल तक न डाल सका। कौन है इसके जिम्मेदार? ये खुद
चाहे वो बाप जो मर गया, ये समाज या ये हुकूमत जिसने उसे एक नौकरी नहीं दी, एक रोटी नहीं दी, योर ऑनर रोटी नहीं दी। योर ऑनर सिर्फ रवि नहीं, फरीद नहीं, ये सब इस वक्त जो अदालत में खड़े हैं, हर एक की जिंदगी ऐसे ही गमों से दो चार होती रही, लेकिन इन्हें हालात में मजबूर कर दिया था, बेबस कर दिया था कि ये अपना जिंदा रहने का हक समाज से छीन कर ले ले, जो उन्होंने समाज की ड्योरी पर गिड़गिड़ाकर मांगा था, और जिसके बदले इस बेरहम समाज ने इनकी होनार पेशानियों पर नाकामियों की ठोकर लगाई थी। और ये दर दर भटके थे योर ऑनर, ये दर दर भटके थे योर ऑनर अपनी डिग्रियां और अपने सर्टिफिकेट लेकर, लेकिन हर दर से इन्हें एक ही जवाब मिला। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस सर? यू नो आई एम क्वाइट न्यू सर। मिस्टर भोला जी, वी नीड एन एक्सपीरियंस मैन। सेठ जी, अगर इसी तरीके से हर फैक्ट्री से और हर फर्म से यही जवाब मिलता रहा तो हमारी पूरी जिंदगी नाकामियों में गुजर जाएगी। सॉरी, वी कांट हेल्प इट। Why don't you understand, Mr. वली, डिग्री से काम नहीं चल सकता, आपकी कोई गारंटी दे सकता है? लेकिन मैनेजर साहब, मैं तो पहली बार शाहबाद से बंबई आया हूँ और यहाँ मुझे Then I'm sorry. मैनेजर साहब, सर आप उनका डिग्री भूल जाने का, आप उनका आपका ऑफिस में एक प्यून का नौकरी दे देने का। और प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, ये कोई नौकरी देने की फैक्ट्री नहीं है। थैंक यू। मैंने अखबार में पढ़ा कि आपको सेक्रेटरी की जरूरत है, तो पढ़िया नहीं हुए तानू कुड़ी की जरूरत है। सेठ जी, जब काम ही करना है तो छोकरी और छोकरा में क्या फर्क है? तो तू एमए क्यों पास की तो है, तेनों सुधीर और सुधाई फर्क नजर नहीं आता। मगर सेठ जी, जा काम कर अपना। सेठ जी कम ऑन। लेकिन सर मुझे काम क्या करना होगा? फ्लैट टू लीव। अच्छा। एंड फ्लैट टू मूव एंड फाइनिंग Forget the world. जी आयो कमॉन प्लीज प्लीज सर। गुड मॉर्निंग जी। हाय हैंडसम, एकदम माय लाइकिंग। नमस्ते। लवली फेस। थैंक यू थैंक यू। मैं तो अपना सर्टिफिकेट भी अपने साथ लाया हूं। देखिए। गुड टीचर जी। यू फूल मां। व्हाट मां? डिग्रीओ तो ये 300 रुपया में वेचाई है गणेश जी। तुम्हें 5000 रुपया डिपोजिट आपी सको। 5000? केम चक्कर आ गया? सेठ जी, अगर 5000 रुपए मेरे पास होते तो मैं मथुरा से बंबई क्यों आता? तो मुझे मारो वो, फिर तू कम बर्बाद करवा गया। जा भाई। मैं बहुत तकलीफ में हूं सेठ जी। क्यों तू करूं? आखू हिंदुस्तान तकलीफ में। हाय स्वीटी। हाय। तुम्हें यहां से जाओ। थैंक यू स्वीट डार्लिंग। देखिए सर, अमरीका मैं आज अखबार में पढ़ा था। ऑस्ट्रेलिया। आपकी कंपनी में कोई वैकेंसी खाली है क्या? हांगकांग। मेरे को नौकरी मिल सकती क्या? नकुरदार, यहाँ नौकरी पहले दे दी जाती है, ऐलान बाद में किया जाता है। वाह, बच्चा पहले होता है, शादी बाद में होती है क्या? आप ही समझदार मालूम पड़ते हैं आप। मैं जाऊँ क्या? जाऊँ व्यापार। मैंने पटना यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की है मैनेजर साहब। मिस्टर फरीद, अगर मैंने आप लोगों की डिग्रियों का ख्याल किया तो ये कंपनी एक दिन डिग्रियां से लग जाएगी। आई कांट हेल्प इट। छोटी सी नौकरी चाहिए। मैंने तुमसे एक बार कहे तुम्हारी कोई नौकरी वगैरह नहीं, तो चिल्ला क्यों रहेगा? कुर्सी का मतलब यह नहीं कि आप प्यार से बात भी ना करें। ओ भाई गुरु जी, तेरी भी कुर्सी नहीं रहेगी। जा रहे कहता हूं। सर, आपने मुझे नौकरी के लिए बुलाया था। हाउ व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग, हाउ अ नौकरी विदाउट चौकरी।
उजले समय की काली चादर में मुंह छुपाए इंसान रो रहा है, इंसान रो रहा है, इंसान रो रहा है। सहमी सी बाइबल है, गीता सिसक रही है, कुरान रो रहा है। कहीं खिलते हैं फूल, कहीं उड़ती है धूप, मौत और जिंदगी का सवाल है, हाय रे क्या जमाने का हाल है, बदनाम फरिश्ते क्या करें, कहीं खिलते हैं फूल, कहीं उड़ती है धूल। कोई महलों दो महलों में हंसता रहे, कोई फुटपाथ को भी तरसता रहे, चार पैसे कहीं है जवानी का मोल, सोना चांदी किसी पे बरसता रहे, कैसी दो रंग दुनिया की चाल है, बदनाम फरिश्ते क्या करें, बदनाम आदमियत शराफत और इल्म हुनर, ठोकर खाते फिरते हैं सब दर बदर, कोई बतलाए आखिर ये जाए कहाँ, बंद इनके लिए है खुदा के भी घर, आज सच्चाई गम से निकाल है, बदनाम फरिश्ते क्या करें, ये नई रीत दुनिया में क्या बन गई, मुफलिसी और गरीबी खता बन गई, आज के आदमी के लिए ऐसा लगता है जैसे सजा बन गई, फिर भी हम तुम है जिंदा कमाल है, बदनाम फरिश्ते क्या करें, बदनाम फरिश्ते क्या करें, कहीं खिलते हैं फूल, कहीं उड़ती धूल, मौत और जिंदगी का सवाल है, हाय रे क्या जमाने का हाल है, बदनाम फरिश्ते क्या करें, बदनाम फरिश्ते क्या करें, बदनाम फरिश्ते अंदर आओ।
ये तुम्हारा ही घर है। बोलो, पहले क्या कम थे? एक और आ गए। एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ये है ओम प्रकाश, पंजाब के सपूत। आज सारा हिंदुस्तान इस छोपड़े में। हिंदुस्तान तो इकट्ठा हो गया भाई साहब। हिंदुस्तान भूखा है। चीखने चिल्लाने से पेट नहीं भरता, ऊपर वाला फूका उठाता है लेकिन फूका सुलाता नहीं। यम हो रहा ना, ऊपर वाला ग्रेड। अरे अरे अरे, हिंदुस्तान की सभ्यता की तो लाज रहे, पहले मेहमान को खिलाना चाहिए। अरे मेहमान क्यों, मैं भी तो हिंदुस्तान का एक टुकड़ा हूँ। अब आप क्या बात करें, देखो देखा तो चुप। लेकिन इस तरह कब तक हम डबल रोटी पे गुजारा करते रहेंगे? जब तक हमारे अंदर से ये कॉम्प्लेक्स खत्म नहीं होंगे, कम तरीका एहसास खत्म नहीं होगा। आप कहना क्या चाहते हैं रवि साहब? यही, ये डिग्रियां हमारे रास्ते में रुकावट पैदा करेंगी। हम हर काम अपने डिग्रियों के स्टैंडर्ड के हिसाब से सोचते हैं। मगर इसमें हमारा क्या कसूर है भाई साहब? कसूर हमारा है, हमें वक्त और हालात के साथ साथ चलना ही चाहिए। ओम प्रकाश बैठे, तुम्हारा मतलब ये है कि हम लोग हमालगिरी करें, टोकरियां उठाएं? फेंक की आग बुझाने के लिए इंसान हर काम करने पर मजबूर हो जाता है। गुड मॉर्निंग सर। रात के बाद गुड मॉर्निंग? फर्स्ट टाइम मिला ना, इसलिए गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टाइम मिलेगा गुड नाइट। अपन गोवा से आए सर, अपन को एक इंडिपेंडेंट खोली मिले। खोली नहीं, इंडिपेंडेंट कोना मिल सकता है। इंडिपेंडेंट कोना यानी कि कॉर्नर? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल वगैरह वगैरह वगैरह, यानी कि सारा हिंदुस्तान एक छत के नीचे। लेकिन सर गोवा नहीं होगा तो सारा हिंदुस्तान कहां से होगा? मैं कोने किधर है? वहां मेरे साथ चलो, यहां बैठो। हाँ, अभी आखा हिंदुस्तान दिखाई देता है। चलो रोटी। गॉड इज ग्रेट। डॉक्टर, अपना फोन स्पेशल क्वालिटी का है, जवानों को जाना चाहिए। ओह श्योर, ओके नेक्स्ट। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? जब तक हम चलने से मजबूर नहीं हो जाते। अब इससे भी ज्यादा क्या मजबूरी हुई? हम लोगों को जिंदा रहने के वास्ते अपना खून तक बेचना पड़ रहा है। अब तो खून भी इतना कमजोर हो गया है कि डॉक्टरों ने अपने लिस्ट से हमारे नाम काट दिए। क्या मैं अदालत से पूछ सकता हूँ ऑनर कि इनकी डिग्रियां, इनके सर्टिफिकेट्स इस बात की जमानत नहीं कि ये नौजवान मेहनतकश हैं, ईमानदार हैं, वफादार हैं? अगर नहीं तो ऐसी तालीम की क्या कीमत है, ऐसी डिग्रीज और ऐसी सर्टिफिकेट्स की क्या कीमत है जो इन्हें रोजगार नहीं दे सकते हैं, रोटी नहीं दे सकते हैं? डिग्री डज नॉट मीन दैट यू शुड रन फॉर अ चेयर। डिग्री लेने का ये मतलब तो नहीं योर ऑनर कि इनको बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी पोजीशंस और ऊंची ऊंची कुर्सियां ही दी जाए। हजारों मील दूर अपने वतन छोड़कर आने के बजाय नजदीक के टाउन्स में जा सकते थे, जहां गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट बनवाए हैं, फार्म्स खोले हैं, जहां बैंक से लोन दिया जाता है, जमीनें दी जाती है। जा सकते थे लेकिन नहीं, नहीं गए, इसलिए कि इन्हें ग्लैमर चाहिए था। इसलिए इनके दिमाग में पहले ही से जुर्म की बू समाई हुई थी। योर ऑनर, मैं अदालत से यही दरखास्त करूंगी कि इस भयानक गुनाह को इंसाफ की रोशनी में यही दफन कर दिया जाए। योर ऑनर, वकील सरकार ने इन्हें मुजरिम करार तो दे दिया, लेकिन अगर ये मुजरिम दिमाग होते तो इनके हौसले उस एक जुर्म के बाद खुल चुके थे। वो एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ना जाने कितने जुर्म कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने शराफत और ईमानदारी की जिंदगी बसर करने की कोशिश की और उसका सबूत योर ऑनर ये बॉक्स। योर ऑनर, जो इन्होंने डोमेस्टिक सेविंग्स बैंक के नाम से अपने घर में टांग रखा था, अपनी आमदनी का 75% वो इस बैंक में जमा करते थे ताकि लूटी हुई रकम बराबर होने के बाद
वो होटलों के मालिकों को वापस कर सके। में ये डिग्री बी एम ए पी एच डी ये डिप्लोमे ये डिग्री हो गए जब बेकार तो हमको करना पड़ा व्यापार। जीने वालों नए व्यापारी तुम्हारी गली आए खरीदो हमसे तुम्हें जो भाई। सबसे अच्छा काम है धंधा ना कोई मालिक ना कोई बंदा जो नहीं डरते आइटम बम से डरते हैं वो लोग कलम से। एक रुपए का टिकट है आओ बिन मेहनत के लाखों पाओ। खाता सही लिखोगे लाला चश्मा लेते जाओ काला। नए व्यापारी तुम्हारी गली आए खरीदो हमसे तुम्हें जो भाए। ब्रह्मन हो के हरिजन सबके काम आते हैं बर्तन। भूख न देखे चाबी ताला फिर भी लेते जाओ लाला। कम कपड़े में काम चलाओ नंगे रहो और माल बचाओ। गर्मी बहुत है ठंडक पालो यारो आओ आइसक्रीम खा लो। व्यापारी तुम्हारी गली आए खरीदो हमसे तुम्हें जो भाए। टोस्ट बिस्किट रोटी पाओ हमसे ले लो गम ना खाओ। ले लो निंदिया ले लो ये कश्मीरी वाली जाया जन्नत का है बागीचा। कुशल रगड़ा पानी पूरी चोखे दाम खरी मजदूरी। नए व्यापारी तुम्हारी गली आए खरीदो हमसे तुम्हें जो भाए। बी एम ए पी एच डी ये डिप्लोमे ये डिग्री बी एम ए पी एच डी ये डिप्लोमे ये डिग्री हो गए जब बेकार तो हमको करना पड़ा व्यापार। जीने वालों व्यापारी तुम्हारी गली आए खरीदो हमसे तुम्हें जो भाए। नए व्यापारी तुम्हारी गली आए खरीदो हमसे तुम्हें जो भाए। कमान शो खोलना देखने तो दे। अबे खुलवा रहा तो खुलता का नहीं। जल्दी क्या है यार हर बात में जल्दी। अरे दिखा रहा हमें दो रानी साले को कभी एक भी नसीब हुई है। दो रानी ये देख एक छक्का ये दो छक्का ये तीसरा छक्का। जल्दी करता है हम तो मारा है लेंगे। भाई साहब दक्षिणा सॉरी यू ऑट टू बी यार ये बात बड़ी गलत है। सारी पैसे सभी बैंक में चले जाते हैं। तुम ऊपर से गुरखा है ना नीचे से ही कश्मीरी खाली। अरे आप उन लोगों का एक एक पैसा करके जमा नहीं करने का तुम होटल वाले लोग का कर्जा कहां से चुकाने का। कर्ज किस बात का हमारा हक था हमने छीन लिया। और जब पुलिस अपना हाथ अदा करेगी तब फिरासत में। अरे भाई तुम क्यों नहीं खेल रहे हैं। जिसने अपनी जिंदगी का जुआ खेला हो वो पैसे दो पैसे का जुआ क्या खेले। यार इस आदमी ने तो अपने डेढ़ ईंट की मस्जिद अलग ही बना रखी। योर ऑनर
मेरी अदालत से गुजारिश है कि इनकी आहों और आंसुओं से भरी हुई पिछली जिंदगी, जो उनके पास शराफत और ईमानदारी की जिंदगी और आने वाली जिंदगी को मद्देनजर रखते हुए इन्हें बेदाग बरी कर दिया जाए, वरना अगर अदालत के फैसले ने उनके दामन पर सजा का धब्बा लगा दिया तो इनका भविष्य अंधकार में डूब जाएगा, भयानक हो जाएगा। योर ऑनर, मैं इन लड़कों के लिए अदालत से रहम की दरखास्त करता हूं। रहम रहम रहम, कानून के कारखाने में रहम के पैमाने नहीं इंसाफ के तराजू ढाले जाते। योर ऑनर, जुर्म बहरहाल जुर्म है, वो भले जानबूझकर किया गया हो या किसी के दबाव में आकर किया गया हो या अनजाने में हुआ हो। अगर इनको सजा ना दी गई तो दुनिया से कानून और इंसाफ का नामो निशान मिट जाएगा। योर ऑनर, मैं वकील सरकार की दुहाई की इज्जत करता हूं योर ऑनर, लेकिन एक दिन जब भोला की मां मर गई, जो दूसरों के यहां बर्तन मांजा करती थी, झाड़ू लगाया करती थी, उस दिन इनके सब्र का पैमाना छलक गया, इन्होंने जिंदगी के असूल बदल दिए। योर ऑनर, कल तक ये लड़के जिस जिंदगी को समाज के सामने झोली फैलाए भीख में मांगा करते थे, आज उसी जिंदगी को उन्होंने आगे बढ़कर छीन लिया। क्या जिंदगी हासिल करना इतना बड़ा जुर्म है योर ऑनर? वकील सफाई ने इनकी पिछली जिंदगी के सफेद उलट दिए, अदालत में बैठे हुए हर इंसान की पलकों को तो भिगो दिया, लेकिन वो अपने इस लेक्चर में साफ तौर से ये जाहिर कर रहे हैं कि ये सिर्फ समाज और कानून के ही नहीं बल्कि अपने खून के भी मुजरिम है। इन्होंने अपने खून की लाज को भी अपने ऐश और आराम की देवी के चरणों में भेंट चढ़ा दिया। योर ऑनर, अगर हिंदुस्तान का हर नौजवान इसी तरह जुर्म की बुनियाद पर अपनी जिंदगी की इमारत बनाता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा हर सूरत मुजरिम नजर आने लगेगी और इंसाफ की देवी अपना मुंह छुपाकर सिसक सिसक कर दम तोड़ देगी। दैट्स ऑल योर ऑनर। अदालत लंच के लिए बर्खास्त की जाती है। अरे क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है, ना दबा दो। नहीं रहने दो। आखिर तुम इन लड़कों को क्यों सजा दिलाना चाहती हो जबकि तुम जानती हो ये मासूम है और मेरे हिसाब से एक तरह से इन्हें फरिश्ते भी कहा जा सकता है। इनकी पिछली हालत सुनने के बाद मुझे भी इनके साथ हमदर्दी है। ये वाकई फरिश्ते हैं लेकिन बदनाम कर दिए गए हैं। मुझे एहसास है इनकी मजबूरियों का लेकिन मैं भी तो मजबूर हूँ, मेरे सामने मेरा फर्ज है। आप लंच लगा दूं? हाँ लगा दूं। रिज्यूम प्रोसीडिंग्स। योर ऑनर, मैं सरकारी गवाह मिस कामनी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू। सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। मिस कामनी, आप कितने अर्से तक इन लड़कों के साथ रहे? 6 महीने। आपने कभी भी इनको कोई जुर्म करते हुए देखा? जी नहीं। नोट किया जाए योर ऑनर। फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो होटल इन लड़कों ने लूटे? उस रात जब होटल लूटे थे उन्हीं होटलों में से मैं भी एक में थी। आप क्या कर रही थी उस वक्त? नया साल मना रही थी और इनमें से एक भागता हुआ मुझसे टकराया भी था। नशे में था शायद? आप भी नशे में थे? जी, मैं शराब नहीं पीती। वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ? फिर अचानक वही शक्ल मुझे फेस बदले हुए कपड़ा बेचती नजर आई। मैंने उसका पीछा किया और उस वक्त मेरा शक यकीन में बदल गया जबकि मैंने देखा कि उस भूत बंगले में सिर्फ वही एक नहीं बल्कि 12 है। तो आपने उसी वक्त पुलिस को खबर क्यों नहीं दी? इसलिए कि कोई ठोस सबूत नहीं था मेरे पास और सबूत तभी हो सकता था जबकि ये अपने जुबान से अपने जुर्म का इकरार करते। उसके बाद आपने कौन सा हथकंडा? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। एक औरत जात के लिए हथकंडा जैसा बाजारी लफ्ज वकील सफाई की जुबान से शोभा नहीं देता। आई एम सॉरी योर ऑनर। मिस कामनी, फिर आपने कौन सा रास्ता अपनाया? मैंने इन सब के साथ अलग अलग प्यार का नाटक रचा। Thank you.
हमें कॉल किया। अरे वाह लड़की, जन्नत में। और तुम कौन हो? हम लोग फरिश्ते हैं, बिंदास। लेकिन तुम सब तो इंसान जैसे हो। काश हम इंसान होते। मगर मोहतरमा एक बात तो बताइए, ये चाकू छुरी वाले कौन थे? इंसान थे ये भी। लेकिन आप कौन है जी? मैं इंसानियत के माथे का कलंक हूँ। अरे छोकरी, अभी तुम सब कुछ अपने बारे में हमको सीधे सीधे बताना, क्या हम तुम्हारा चमक छोड़ा पुलिस को दिखाना? पुलिस? हाँ, अगर इससे भी बड़ी कोई सजा है तो वो सजा दे दो मुझे। बहुत बड़ा जन्म किया मैंने, जो इस धरती पर जन्म लिया। ये आंसू किसी भी हल तक पहुँचने के लिए सोच की राहों में रुकावट पैदा करती है, समझी? लेकिन बड़ी भी, तुम्हारा घर कहाँ है? घर? मेरा कोई घर नहीं। बेबी, तो तू क्या इतना बड़ा सीधा आसमान से टपका? मजाक बंद करो यार। लेकिन मेम सर, ये आधी रात गए अकेले अकेले दरिया किनारे क्या कर रही थी? घर तलाश करने आई थी, एक ऐसा घर जिसकी कोई छत ना हो, कोई दरवाजा ना हो, जहां से मैं कभी ना निकल सकूं। अरे यारो, ये चीज की है भाई? ओ भाई साहब, ये कहां से बैठे बैठा एक ठो आफत मोल ले लिया तुम लोग। मैं किसी पर पूछ नहीं बनना चाहती। ठहरो, पगली, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, अगर तुम्हारा कोई नहीं, हम सब तुम्हारे। लेकिन घबरा मत, हम सब बाहर सो जाते। चलो चलो। लेकिन आप लोगों को मेरे बच्चे इतनी तकलीफ? अरे ये जो लोग तुमको नजर आ रहे ना, ये सब फरिश्ते हैं। मगर बदनाम। दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। प्यास लगी है? बुझ गई प्यास? प्यास, प्यास अगर बुझ गई तो प्यास क्या है? और किसी को प्यास लगी है? अम्मा, हमें भी। मुझे भी। अरे यार, तो दूध पीवे।
अपन के बाप ने कोई बैंक नहीं खोला ना है। अच्छा अच्छा बाबा लो, तुम सब इस ग्लास में एक एक घूंट डाल दो। यम्मा आई विल पोर फर्स्ट। एक होगा बाबू, हमें सीनियर आछे। अरे मेरे को भी थोड़ी चाय डालना दो भाई। अरे मैं किसी से कम हूँ क्या? ये चाय कितने की आती है? 20 पैसे की एक। 20 पैसे की एक यानी 20 × 40 240 पैसे की 12। घर में तो इससे भी अच्छी चाय बन सकती है। घर? घर कहाँ, ये तो सिर्फ मकान है। मैं घर बना दूंगी इसे। बस 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 पापुल ने तुमको खाली आसरा दिया ना, ये गला पड़ने को नहीं बोला। कभी किसी को आसरा दो तो जिंदगी भर के लिए, वरना मत दो। और कल रात रवि जी ने तो कहा था कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। मेरे असूलों पर चलना बहुत मुश्किल है। शाम को आप सब खाना घर पर खाएंगे? जी जी हाँ। ए कोई गल होई ना। वंडरफुल प्लीज पैकेट अप। दस बीस तीस ये लो। एकता और एक और एकता एकता और। जय जवान। अरे गाड़ी संभालना, अरे गाड़ी संभालना, भाग रहा है देख तेरा। अरे अरे रोकना, रुक अब, रुक रुक रुक। दो रुपए ये लो। बारीक पीसा है ना? नहीं, तुम्हार तारीफ के लिए शब्द ढूंढ रहे हैं। ढूंढो वो अपना जो फिलोसफर है ना, वो शब्द का डिक्शनरी है। अच्छे घराने से मालूम होती हो। कोई शक है क्या आपको? अरे आपने तो कुछ खाया नहीं जी। कोई फलसफा सोच रहे हैं क्या? नहीं मैं सोच रहा था कि खाना खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। तुम भी खा लो। पकाने वाले कभी खाते हैं भला? अरे उनका तो खुशबू से ही पेट भर जाते हैं। तुम लोग खाना खाए बट अवर बेडरूम इज इन वरांडा, गुड नाइट करो। कमाल है यारो, अच्छे घरवाले बने हैं। घर वालों को ही बाहर कर। नहीं नहीं आप लोग सब अंदर सोइए, आज से मैं बाहर दूंगी। मधु औरतों का दर्जा बहुत बुलंद है हमारी नजरों में। वो तो ठीक है लेकिन औरत और मर्द में इतना भेदभाव क्यों? ये भेदभाव तो कुदरत ने बनाया है। लेकिन कुदरत ने हमें सोचने और समझने की ताकत भी तो दी है। ये जरूरी तो नहीं कि औरत और मर्द एक दूसरे को हमेशा एक ही नजर से देखे। ले भाया हो गई तेरी छुट्टी। आज से आप लोग अंदर ही सोएंगे समझे? ले ये तो शैतानी जब हुक्म चलाने लगी। अम्मा मम्मी अम्मा अम्मा ओह स्वीट कितना खूबसूरत हार है। अगर पहनने वाला खूबसूरत हो तो हर चीज खूबसूरत नजर आती है। लेकिन ये नेकलेस? नेकलेस नहीं मधु, पुराने जमाने में इसे वरमाला कहते थे। अच्छा पसंद है तुम्हें? ये अंगूठी की रस्म मंगनी के वक्त अदा की जाती है। ये बिंदास की बिंदास,
जरा आईने में जाके देखो कितनी हसीन लगती हो। आईने में चेहरा देखा जाता है पैर नहीं। I'm sorry. कितनी हसीन खुशबू है। सच मधु मधु तुम्हारे प्यार की खुशबू पसंद है ना? जरा नजर तो मिलाओ। क्या बात। सुर्ख रंग तुम्हारे होठों पे कितना खिलता है। लेकिन सुर्ख रंग खतरे का निशान होता है। मैं तो क्या बनाने का छोकरी छोकरी एक छोकरी के लिए दो ब्लाउज माप के दे स्टैंडर्ड सही वो हमको मालूम नहीं माप लाओ या तो छोकरी लाओ। अपन कहते हैं लगता था कि आपके पास सत्ताईस का माप होगा। अभी लेके आता है। 200 का आ जाएगा। नाप नाप तो नहीं था मेरे पास फिर भी लेता आया समझे। साड़ी के लिए नाप की जरूरत नहीं होती। जी हाँ नहीं रहती गलती हो गई। बिना मुझे तकलीफ की अपनी क्यों। अरे इसमें तकलीफ किस बात की जब आप अकेले ने हम सबको अपना समझा है तो सब ना सही कम से कम मैं इतने के मारा मतलब बस लो हम पे जमाना हंसता है। अरे तुम तो कविता भी कर लेते हो। अरे कविता क्या मैं तो और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अच्छा? अगर तुम साथ देने का वादा करो। लेकिन एक शर्त होगी। शर्त प्यार की राहों में शर्त की दीवारें नहीं खड़ी करनी चाहिए। मैं तो शर्त की दीवार नहीं शर्त का दरवाजा अगर खुला रह गया तो लोग हमारे प्यार के आंगन में ताक झांक कर सकते हैं। अच्छा क्या है शर्त। यही कि ये बातें राज में रहेंगी वरना मैं अकेली और तुम पूरे एक दर्जन। ओ वादा देखो आज का वादा पक्का। अच्छा बाबा पक्का। तो फिर हाथ मिलाओ। आज का वादा पक्का हाथ मिलाओ। अब मैं जाऊं अच्छा हाथ मिलाओ। अरे आज का वादा पक्का हाथ मिलाओ। अब मैं जाऊं अच्छा हाथ मिलाओ। जाने जाना कल फिर आना भूल न जाना। आज का वादा पक्का हाथ मिलाओ। अब मैं जाऊं जाऊं घबराती हो सौ पहरों में रहती हो चाहो तो आ सकती हो सबको क्या समझाऊंगी कुछ भी समझा सकती हो छोड़ बहाना तुमको है आना भूल न जाना। अब मैं जाऊं अच्छा हाथ मिलाओ। आज का वादा पक्का हाथ मिलाओ। देर की पर आई तो पर जान ही जाने वाली वो जाती रुकवाई तो आखिर
फिर क्या मजबूरी थी, डर था कोई ना जाए और करीब आ जाओ ना, देख रहे हैं शाम के साए, आ भी जाओ छोड़ो भी अब हमको सताना, आज का वादा पक्का पक्का हाथ मिलाओ, अब मैं जाऊं हाथ मिलाओ। बात है कि हम दोनों क्या साफ कहो, प्यार दिलों का नाता है, खत्म न होगा कुछ भी हो, जब तक तन में सांस रहे प्यार निभाना, आज का वादा पक्का पक्का हाथ मिलाओ, अब मैं जाऊँ अच्छा ना ना हाथ मिलाओ, जाने जाना कल फिर आना भूल न जाना, आज का वादा पक्का हाथ मिलाओ, अब मैं जाऊं हाथ मिलाओ। रवि रवि देर हो गई ना, यहाँ क्यों बुलाया है मुझे? एक बात पूछने के लिए। पूछो। आपके विचार आपके और साथियों से बिल्कुल अलग क्यों हैं? मधु, हालात ने वक्त से पहले वो सब कुछ दे दिया है मुझे जो नहीं देना चाहिए था, और आज आज इस बोझ तले इतना दब चुका हूं कि हंसना तो क्या, सांस लेना भी भारी है मेरे लिए। अच्छा, आप अपने और साथियों की तरह मेरे लिए तोहफा क्यों नहीं लाए? क्या मैं इतनी गिरी हुई हूं आपकी नजरों में? मधु, मैं बनावट पर यकीन नहीं रखता, दुनियादारी नहीं है मेरे अंदर, मैंने जिंदगी को इतने करीब से देखा है कि नफरत हो गई है, खिन आने लगी है जिंदगी से। लगता है दुनिया ने आपको दुखी दुख दिए, प्यार नहीं दिया किसी ने। प्यार? प्यार कोई सौदा या उठार नहीं जो लिया और दिया जाए, ये तो होनी है जो इस कारोबारी युग में नहीं हो सकती। ये कैसे कह सकते हैं आप? मधु, जाओ घर जाओ, वरना लोग क्या सोचेंगे। लेकिन रवि, मधु प्लीज। जा रही हूं, लेकिन इतना याद रखिएगा, किसी को जिंदगी देकर उसे वापस छीनना बहुत बड़ा पाप है। मधु मधु मधु, मेरी बातों से तुम्हें काफी तकलीफ हुई ना? इन आंसुओं से एहसास की दुनिया में सैलाब आ सकता है। सैलाब से तिनके घबराते हैं, चट्टाने नहीं। चट्टाने घबराती नहीं, लेकिन जर्रा जर्रा होकर सैलाब के साथ बह तो जाते हैं। रवि, हाँ। इसको मुस्क छुपता नहीं। वाह, क्या इशक है और क्या मुस्क है। ओए चुप कर मुंडिया, पंजाबी बोलता गलत है, लिखता सही है, समझे? अखबार जैसा कवि दिया पंजाब ने। तुम अखबार प्रोड्यूस किया? यम साउथ इंडियन प्रोड्यूसर डॉक्टर राधा कृष्णन, द ग्रेटेस्ट ऑफ फिलोसोफर। एक होगा, बांग्लादेश न होता तो तुम्हारा सारा फिलोसॉफी बाड़ी में रखा रह जाता। वर्ल्ड में लिटरेचर का फादर हमादेर बांग्लादेश में ही हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर। ओए राधा शेखी न मार, पंजाब ने भगत सिंह जैसा भी सपूत पैदा किया। ओए भगत सिंह तो ग्रेट है, आम के महाराज ने वो सपूत पैदा किए जिससे विदेशों की बरसों की हुकूमत की बुनियाद इरादी बिंदास छत्रपति शिवाजी महाराज। अरे महाराणा प्रताप जी को भूल गए?
जब मुगलों से लोहा लेते आए थे। अबे और रेगिस्तान की औलाद, चुप बैठ, अपना मुंह बंद कर। हमारी शल जमीन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा लाल और जवाहर पैदा किया है। अबे गोंगलू, लेकिन उनकी परवरिश तो गंगा की गोद में हुई थी, और सिर्फ नेहरू ही नहीं, शास्त्री और इंदिरा गांधी जैसे लीडरों ने भी यूपी में ही जन्म लिया है। तुम्हारा का मतलब है हमारा बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है? अरे सम्राट अशोक और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही पैदा हुए थे। अरे मियां, हमारे बात सुनो, इधर उधर के होले बाता नको करो, जरा अकल की बात करो। आज हमारे देश में, अरे मियां, अच्छा तो पछी मने पण सांभळो, क्या तुम सब लोग ये भूल गए कि इतने बड़े राष्ट्र का राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी हमारे गुजरात में पैदा हुआ था, समझे? दूर समझ वाला था मैं। अरे भवानी, तू कहां भागता है? तू भी कुछ बोल बोल बोल। अपन क्या बोलेगा, अपन का तो अभी दूध का दांत भी नहीं टूटा। बस बाबा बस, मेरे तो कान भग गए। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि हाथ, कान, नाक, पैर की सारी चीज मिलाकर शरीर बनता है। इसी तरह पंजाब, गुजरात, बंगाल, ये सारे सूबे मिलाकर हिंदुस्तान कहलाता है। सुन लिया, एक अनपढ़ लड़की, तुम पढ़े लिखों से ज्यादा समझदार है। बराबर, अब उनका गांव में ऐसा इंटेलिजेंट छोकरी पैदा होता। अच्छा अच्छा, चाय पी लो सबके सब। What? Oh, I'm sorry. Hi, Johnny, darling. I like it. लेकिन तुम अपना घड़ी देख ले, उसमें क्या बजल है मालूम है? हम इधर गद्दे के माथे खड़े हैं, तुम उधर किधर बैठे ले? वो तुम्हारा भोला है ना, चिपका हुआ था। तुम्हें चिपके लगा? हाँ, एकदम जोंक की तरह। Oh my God. अरे, वो पंप लेने आया था। पंप? छे, पंप का तो सिर्फ एक बहाना था। मैं किसी दिन उसे मिर्ची की धुनी दे डालूंगी। हाँ। ओह नो माय मधु मक्खी, तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। हम खुद ही एक दिन उस राजस्थानी बच्चा का मुंह में रेगिस्तान का भुक्की दे डालने वाला है। ओह रियली? ऑफ कोर्स। ओ नील, गुवा नील, हरिजा, मैं ब्राह्मण, लुक जने, ओ नील, मैं ऑलवेज इट वन थाली, टुमोरो थो थाली, नो फ्रेंडशिप। ओ हटाओ ना, कोई और बात करो। अरे अरे दीदी सुनो तो। नो बात। अरे सुनो, अब तुम हमेशा ही हवा खाते रहना, समझे? मतलब? मतलब ये कि मैं जा रही हूँ। कोता है? जहाँ से आई थी। क्यों लो? अपने दोस्तों से पूछ लेना। किसी ने कुछ बोला? वो तुम्हारा फरीद है ना, जब देखो जब ऊट पटांग बातें करता रहता है। वो फरीद बिहारी का बच्चा, वो बंगाली, लागत है आजकल मच्छी ज्यादा खाते है। मैं किसी दिन उसे मच्छी पर दूध पिला दूंगी। हाँ नाना, तुम कुछ नहीं बोलो, हम खुद की नस ढीली कर दे। सुनो तो सुधीर। नो नो मधु, दिस इज टू मच। एंकी तो, अरे वली के बच्चे की ये मजाल कि वो मेरे रास्ते में। नहीं नहीं गणेश, जाने दो, गुस्सा बहुत खराब होता है, मैं ये नहीं चाहती कि आपस में फूट पड़े। तुम हट जाओ मधु। अरे गणेश। मधु, कश्मीर जन्नत कहलाता है, और जन्नत में रहने वाले फरिश्ते, मैं एक फरिश्ता हूँ, फरिश्तों पे कोई कीचड़ उछाले मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। वली, तुम्हें मेरे प्यार की कसम। इसी प्यार की खातिर तो मैं वली। मारो बेटो समझे, सुन, मैं उस आंध्र के बच्चे की आंखें फोड़ दूंगा अगर उसने तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी देखा। हाँ। शांति दूत के स्टेचू के सामने इतने अशांत होने की कोई जरूरत नहीं। लो पियो। अरे पियो ना। मधु, कल का वादा पक्का? फिर हाथ मिलाओ। टाटा। अरे सुनो पटेल, तुमको छेड़ा क्या? मैं उसको जिंदगी से छुड़ा दूंगा ना, वो गुजराती की चपाती बना डालूंगा। अली अली, तोड़ दूंगा दुश्मन की नली। अरे क्या कर रहे हो? नहीं करना क्या? तुम बोले तो नहीं करते, यहीं बैठते, बैठो। अरे मुझे जाना है, अगर कोई आ गया तो। अच्छा मैं जा रही। जा रहे क्या? मैं जा करूंगा यहाँ बैठ के, मैं भी जाता हूँ। याली मधु, इन जगहों में भगत सिंह का खून बह रहा है। जाने दो भोला, कोई और बात करो। जाने कैसे तू मधु, ये जिसे तुम मामूली बात समझती हो कल एक बहुत बड़ी बात बन सकती है। अगर इस गणेश के बच्चे का गोबर ना निकाल दूं तो मेरा नाम भोला नहीं। लेकिन? लेकिन क्या मधु, मैं एक एक की पोल जानता हूं। अरे
मुझे लेने गई थी। ला मैं उठा लूं, कहीं तुम्हारे नाजुक हाथों को कुछ। इन हाथों में इंसानों की परवरिश होती है। लेकिन वो अरे बस आ गई। चलो। ए चूड़ी वाले, पहले जो चूड़ी पहनाई थी सबके सब फूट गई। अम्मा हम क्या करेगा, तुम्हारा हाथ कड़क है। मेरा हाथ कड़क है या तेरी चूड़ी का काज कच्चा है? डोंट वरी, आज हम पक्का चढ़ाएगा। अरे आहिस्ता पहना ना। अरे जरा आहिस्ता। और कितना आहिस्ता चढ़ाएगा? अरे आहिस्ता पहना। लाओ दूसरा हाथ लाओ। एक कप चाय, एक प्लेट समोसा। 36 पैसे ला। ए लड़के एक कोवर ला। ए डब्बे में क्या है? विद्या हजूर। क्या? कलम सरकार। क्या ये कलम है ना, इसमें आपकी पिस्तौल से ज्यादा ताकत है जनाब। ठीक है, थैंक यू। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे माँ बाप ने इसलिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया कि तुम। मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत देता हूँ, समझे? ओरे बाबा हमारा बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, सबूत गलत भी तो हो सकते हैं। गलत और सही का पता लगाना है पुलिस का काम है। पर साहब हम ऐसा जबरदस्ती कैसा गुनाह कबूल करके लेगा? खाली पुलिस ने बोल दिया इसलिए फटक करके हमने बोल दिया यस सर गुनाह कबूल है। गुनाह कबूल करोगे तो कानून तुम्हारे साथ नरमी का बर्ताव करेगा। बिंदास हजूर, नरमी का सवाल है ना पैदा हो। हमें अपने जुर्म से बिल्कुल इनकार, तुम्हें अपने जुर्म का इकरार करना होगा। इनकार करने से तुम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते। डरावती होगी इंस्पेक्टर साहब, बेगुनाही को सबूत तो जद दूं, जद मारो कोई गुनाह हो। एक बात बताओ फिर, मैं थाना गुनाह करने जा रहे हूं के? बिजनेस करना गुनाह नहीं है, पर बापू जिंदा रहना ये पाप छे। सर मैं जवाबी की जा सकते हो। थैंक यू सर। अरे खाना तो नहीं खा रहे, तुम सब चुप चुप क्यों हो? चुप रहने में हमारी भलाई है मधु। लेकिन क्या हुआ? ही ना बोलो, हमारे दिल में कोई आग लगा दिया। किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले इंसान को अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। ओए यहाँ तो हर कोई अपने आप को दूध में तुलावा समझता है। क्यों क्या हुआ? जो नहीं होना चाहिए था। जली कटी क्यों बोल रहे हो, साफ साफ बोलो। साफ साफ तो ये है कि पुलिस को शक हो चुका है कि हम ही वो 12 हैं जिन्होंने न्यू ईयर की नाइट वो होटल लूटे थे। ओ, तो लेकिन पुलिस को खबर कैसे पहुंची? अबे यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। किससे? मुझसे? जी हाँ आपसे। ये हरकत सिर्फ आप ही कर सकते हैं। क्या सबूत है आपके पास? अब इससे भी ज्यादा क्या सबूत होगा कि तुमने हमारा साथ नहीं दिया होटल लूटने में। जुर्म करना और जुर्म करने में साथ देना दोनों के लिए एक ही कानून है। अपन कानून वालों में कुछ नहीं समझता, अपन तो खाली इतना जानना मांगता कि पुलिस के सामने जाके किसका खूबसूरत थुबड़ा फूटा, जिसका थुबड़ा हम फोड़ देना। ये बात का लेके हम 12 में से हुआ, अंडरस्टैंड आओ। बात तो सच है और ये भी सच है कि आजकल हम एक दूसरे से दूर दूर नजर आ रहे हैं। ये तो आपके अपने दिल का चोर बोल रहा है। चोर किसका मन में नहीं, तुम मुझे क्यों घूरते हो? तुम्हार मन में भी चोर है बंगाली बाबू, जरा होश का दवा करो। आंखें दिखाता है मोशाय। आंखें ही नहीं हाथ भी दिखा सकता हूँ। दिखा देखिए। दिखाऊं? हाँ दिखा देखिए। Thank you.
रियली मिस कामनी, तुम एक बहुत बड़े इनाम की हकदार हो। तुमने इतने छोटे से अरसे में इतना शानदार काम किया है, हाँ? रियली वंडरफुल, वंडरफुल। आपकी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये क्या? मेरा इस्तीफा। ऐसी शानदार कामयाबी के बाद इस्तीफा? क्यों? जर, जन, जमीन, बस ये तीन ही चीजें आपस में फूट डालती हैं। अवर फोर फादर्स 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 स्पोक दिस। मिस्टर भोला, कोई 12वां नंबर का बात करो। जब जागो तभी सवेरा मोशाय। औरत है ना, दो मुंह की नागन होती, इधर दिखाती और इधर से काटती है। अभी भी अकल के नाखून ले भाई साहब। हमें हवालात की सलाखों के पीछे फेंक दिया है एक लड़की के फरेब ने। फरेब ने नहीं, प्यार ने। प्यार? रवि, ए रवि साहब बोलो, जरा तमीज से बात करो। साहब बुलाता है रवि को। हाँ रवि को ही बुलाएगा बिंदास, हमें कौन बुलाएगा। ठीक है बापू, हम में से यही तो एक गुनहगार नहीं। मैंने सौगंध की लाज निभाने की सौगंध खाई है। सौगंध? ओए फिलोसफर, मूली तो खा जा, यात्रा शुभ हो जाएगी। और एक दूसरे के दिल में नफरत रकाबत के बीच वो दी। यानी कि आपने औरत जात के इतिहास को एक बार फिर से दोहरा दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, औरत जात की तौहीन करते हुए वकीले सफाई को शर्म आनी चाहिए। अगर औरत ना होती वकीले सफाई ना होते, ये अदालत ना होती दुनिया ना होती। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ योर ऑनर। मिस कामनी, जब इन लड़कों को पकड़वाने के लिए आपने इतना बड़ा नाटक किया, तो इनको छुड़वाने के लिए आपने मुझसे सिफारिश क्यों की? इनकी बेगुनाही के सबूत क्यों दिए? जवाब दीजिए। वो इनकी शराफत थी, इनकी ईमानदारी थी, इनकी इंसानियत थी, इनकी एकता थी। इनकी शराफत के लिए ये सबूत काफी है कि इन 12 में से एक रवि, जिसने कोई जुर्म नहीं किया, फिर भी आज तक अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ा, कांधे से कांधा मिला के हर दुख उठाया, यहाँ तक कि जेल भी काटने के लिए तैयार है। ये जुमला नोट किया जाए ऑनर। योर विटनेस प्लीज। मिस कामिनी, आपने इन मुजरिमों के बीच रहकर जो रिपोर्ट अपने ऑफिस को दी, क्या आप उससे इनकार करती हैं? जी नहीं। यानी आप पूरे विश्वास के साथ कह रही हैं कि इन्हीं लड़कों ने होटल लूटे थे? हुँ? जी हाँ। लेकिन नोट किया जाए योर ऑनर, जब सीआईडी इंस्पेक्टर मिस कामिनी का बयान और इन 12 मुजरिमों का बयान अदालत के पास मौजूद है और जुर्म हर तरह से साबित हो चुका है, फिर इतनी बहस क्यों? योर ऑनर, मैं वकील सरकार से वकील सरकार की हैसियत से नहीं, बल्कि एक आम इंसान की तरह इस कटहरे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे साथ किसी भी सवाल का इस केस के साथ क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है योर ऑनर, उतना ही जितना कि धड़कनों का दिल से होता है, सांसों का जिस्म से होता है, और एक प्यार भरे दिल का एक प्यार भरे दिल से होता है। योर ऑनर, वकील सफाई उल्टे सीधे पॉइंट लाकर केस को उलझाना चाहते हैं। उलझाना नहीं, मैं सुलझाना चाहता हूँ। आप जिंदगी भर इस केस को नहीं सुलझा सकते। शर्त लगा लीजिए, हार जाएंगे। आप क्या समझते एक जुआखाना है? जिंदगी खुद एक जुआ है। आपको एक वकील होने के बजाय नॉवेलिस्ट होना चाहिए। अगर मैं नॉवेलिस्ट होता तो आपने नॉवेल की यूनिट बनाकर आपको अमर कर देता। वकील सरकार और वकील सफाई ये भूल गए हैं कि ये अदालत है, कोई ड्राइंग रूम नहीं। सॉरी, वकील सफाई का वकील सरकार के साथ कोई भी सवाल शायद इस मुकदमे पर कुछ रोशनी डाल सके। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। मिस रेनो, आपको याद होगा इन द ईयर 1968 आपने एक केस डील किया था, मिस सरस्वती वर्सेस स्टेट, और आप मुजरिम की तरफ से वकील थे। जी हाँ। गालिवन, आपको तफसील भी याद होगी। मिस सरस्वती ने अपनी इज्जत बचाने के लिए शहर के सबसे बड़े बदमाश बाबू दादा का खून कर दिया था। जबकि आपको मालूम था कि उस औरत ने खून किया है, फिर भी आप उसे बचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे थे। जी हाँ। क्यों? क्योंकि आपने गीता की कसम खाई है। क्योंकि उस बदमाश ने एक शरीफ औरत की मजबूरी का
नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की थी। एग्जैक्टली, आपका मतलब औरत मजबूर थी? जी हाँ। और उस मजबूरी में खून किया? जी हाँ। नोट किया जाए योर ऑनर, उसी तरह ये लड़के भी मजबूर थे, वो औरत अपनी इज्जत की खातिर और ये लड़के अपने पेट की खातिर। थैंक यू। वैसी हो गया है आज का इंसान। एक तरफ तो इन 12 मासूमों की मौत और जिंदगी का फैसला हो रहा है और दूसरे तरफ आप लोगों की तालियां गूंज रही हैं। जज साहब, इससे पहले कि आप इनके खिलाफ कोई फैसला करें, मेरी एक विनती सुन लीजिए। छोड़ दो इसे। जज साहब, आप इस कटहरे में आइए। कौन हो तुम? कानून गुनहगार से पूछ रहा है कि वो कौन है। जज साहब, मैं मुजरिम हूं, मेरा नाम मुजरिम है और इन जैसे भोले भाले नौजवानों को जुर्म पर उकसाना मेरा पेशा है। जज साहब, ये बच्चे जब पहली बार चाल में रहने के लिए आए थे तो इनके गालों पर सुर्खी थी, इनकी आंखों में चमक थी, लेकिन देखते ही देखते इनके गालों की सुर्खी जर्द हो गई, इनकी आंखों की चमक जाती रही, इनके चेहरे मुरझा गए। इन्होंने जमीन और आसमान एक कर दिया जिंदा रहने के लिए, लेकिन लेकिन चचा, मुझे वो दिन कभी नहीं भूलेगा जब इनमें से एक बच्चा भोला, जिसकी मां मर चुकी थी लेकिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उसका क्रियाकर्म कर सके, अपने गांव जा सके, फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। जज साहब, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, मैं बर्दाश्त नहीं। फर्स्ट मैन, मेरी चिट्ठी है। बोला कि? बोला चिट्ठी है तेरी। मर गई, 20 रुपयों के कारण मर गई। मेरी मां सिर्फ 20 पैसों के लिए मर गई थी। परसों आज से अंधेरी जाकर खैराती अस्पताल से दवा लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मगर आज इसके बल पर मेरे पास 20 खोलियां हैं, 20। तुम सब बेवकूफ हो, तुम्हें तुम्हारी तालीम ने और तुम्हारी इन डिग्रियों ने बुजदिल बना रखा है। लो ये छुरी और उतार दो अपने समाज के सीने में, चीर डालो उसकी नथें और देखो कि इसमें खून के बदले गरीबों की मेहनत दौड़ रही है। ये नंगों की बस्ती है, यहां शराफत की चादर ओढ़ने वाले को लोग नंगा कहते हैं। बुज़दिल, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अरे मां तो इस गरीब की मरी है, तुम लोगों की भी नानी मर गई है तो चुपचाप बैठा हो। चलो डॉक्टर, राजस्थान लॉन्ड्री में तुम सबके सूट तैयार है। मैं अच्छी तरह से जानता था कि तुम लोगों का खून ठंडा हो गया है, इसलिए तुम्हारे इस ठंडे खून में गर्मी पहुंचाने के लिए मैं दवा लाया हूं। मालूम है? यह है वो दवा, मालूम है? खासकर दादा के हाथ का बनाया हुआ यह काढ़ा, जिसे पीते ही चूहा बिल्ली और बिल्ली शेर हो जाता है और दिल से खौफ इस तरह गायब होता है जैसे गधे के सर से सींग। बोलो बोलो, जल्दी बोलो साहब, जय दारू। मैं कहता हूं बोलो जय दारू। जय दारू। उस वक्त आपके पास 20 खोलियां थी, पैसा था, आप उनको जुर्म का रास्ता दिखलाने के बजाय
सही रास्ता भी तो दिखा सकते थे, सही तरीके पर मदद भी तो कर सकते थे। जी हाँ, कर सकता था मगर मैंने नहीं किया, इसलिए कि मेरी भी किसी ने मदद नहीं की थी। इस समाज के खिलाफ मेरे दिल में आग भड़क रही थी, मेरे पास इस समाज से बदला लेने का और कोई रास्ता नहीं था वकील साहब, सिर्फ यही रास्ता था जो मैंने इन नौजवानों को दिखाया। जज साहब, मैं आज अदालत के सामने सिर्फ ये कहने आया हूं कि अगर सजा देनी है तो इन मासूमों को न दीजिए, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए, और मुझ जैसे हजारों गुंडे बदमाशों को दीजिए जो समाज के सीने पर नासूर बने हुए। जज साहब, यकीन जानिए कि अगर कानून का हाथ हम जैसे बुरे आदमी के गरीबान तक न पहुंच सका तो ये जुल्म का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आए दिन हजारों नहीं बल्कि लाखों नौजवान तबाह और बर्बाद होते रहेंगे। योर विटनेस। योर ऑनर, कितना अजीब इत्तेफाक है, मेरी पिछली जिंदगी में और इनकी पिछली जिंदगी में कोई फर्क नहीं। मेरे पास भी डिग्रियां थी, इनके पास भी डिग्रियां थी। मैं भी सड़कों पे भटका नौकरी के लिए, ये भी सड़कों पे भटके नौकरी के लिए। आज ये भी अदालत में खड़े हैं और मैं भी अदालत में खड़ा हूं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है योर ऑनर, ये कटहरे के अंदर खड़े हैं और मैं कटहरे के बाहर खड़ा हूं। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि इनकी जिंदगी में जब बहकने का मुकाम आया तो इनको रास्ता दिखाने वाला एक ऐसा आदमी मिला जो कि गलत था, गुंडा था, जो इन्हें यहां ले आया। मुझे एक महान और सच्चा इंसान मिला, आप योर ऑनर, जो इंसान की जिंदगी को इंसाफ के तराजू में तोल सकते हैं। That's all, Your Honor. That's all. मुजरिम नंबर एक से लेकर मुजरिम नंबर 12, होटलों के मैनेजर, सरकारी गवाह, पुलिस इंस्पेक्टर्स और सीआईडी इंस्पेक्टर मिस कामनी के बयान, साथ ही साथ उस गुंडे का इकरार जुर्म, वकील सरकार और वकील सफाई की बहस, इन सब को सामने रखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुजरिमों ने इकबाल जुर्म करके कानून की हिमायत की है। मुझे वकील सरकार की राय के साथ इत्तेफाक है, लेकिन एक तो वकील सफाई की ह्यूमन लेवल पर बहस, दूसरे जो होटल लूटे गए हैं उनके मालिकों की मुकदमा वापस लेने की दरखास्त ने इन्हें जेल की सलाखों से बचा लिया है। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। लेकिन इतना याद रहे, तरक्की शहरों के कारखानों में नहीं देहातों के खेतों में जन्म लेती। I'm sorry, Anna. Sorry क्यों? तुम्हारी जीत है तो मेरी जीत है। Oh really? Thank you. Let's go. Good luck.